हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज मैं आपको अमेज़न प्राइम की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरीज द बोर्डिंग स्कूल लॉस्ट क्रम्बल्स एक्सप्लेन करूंगा। ये एक हॉरर ड्रामा सीरीज है और अब तक इसका एक ही सीजन आया है। ये सिर्फ स्पेनिश में ही डब्ड है और इंग्लिश में भी इसको डब नहीं किया गया है, और आज मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक क्रो दिखाते हैं जो कि उड़कर बीच जंगल में एक चट्टान के कोने पर बने हुए एक स्कूल की बिल्डिंग पर जाकर बैठ जाता है। फिर हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाते हैं। दो लड़के कॉरिडोर में लड़ रहे होते हैं और आसपास के बच्चे उसका मजा ले रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। उनकी प्रिंसिपल वहां आती है और उनको रोकती है, और उतनी देर में एक लड़की प्रिंसिपल के ऑफिस में पैसे चुराने जाती है। प्रिंसिपल उन दोनों को स्कूल की जेल में डालने की सजा देती है और फिर चली जाती है। लेकिन उतनी देर में वो लड़की ऑफिस में से पैसे चुरा चुकी होती है। वहां का एक गार्ड दोनों लड़कों को जेल में डालता है, पर जब वो चले जाता है तब एक लड़का जिसका नाम मैन्युअल है वो दूसरे लड़के को कहता है कि पॉल, क्या उस प्रिंसिपल ने बताया है कि हम यहाँ पर कितनी देर तक रहेंगे। वो दोनों अलग अलग जेल में होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनको प्रिंसिपल और ये स्कूल अच्छा नहीं लगता, और ये दोनों दोस्त हैं, और ये लड़ाई झूठ मूठ की थी ताकि वो प्रिंसिपल के ऑफिस में से पैसे चुरा सकें और इस स्कूल से भाग पाएं। फिर हमें दिखाते हैं कि सभी बच्चे बड़े डिसिप्लिन में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और उनका स्पोर्ट टीचर भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है। और फिर साथ साथ हमें एक बच्ची को दिखाते हैं जो कि साइकिल पर स्कूल आती है और वो एक वॉशरूम की विंड पाइप में एक बॉक्स रखती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो बच्ची विंडो में से उस लड़की को देख रही होती है जिसने प्रिंसिपल के ऑफिस में से पैसे चुराए होते हैं। उस लड़की का नाम अमिया है। उसके सर उसको लाइन में खड़े होने के लिए कहते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि प्रिंसिपल एक न्यू म्यूजिक के टीचर को जॉब पर लगाती है और कहती है कि हमारे स्कूल का गोल ये है कि हम उन बच्चों का भविष्य अच्छा बनाएंगे जिनको पहले के हाई स्कूल ने निकाल दिया है। और हमें दिखाते हैं कि अमिया विंड पाइप में से वो बॉक्स निकाल लेती है जो बच्ची ने रखा होता है। वो बाहर आकर सब लड़कियों को पूछती है कि किसी को क्या ये चाहिए। उस बॉक्स में काफी सारी सिगरेट की डिब्बियां होती हैं और वो सबको दे देती है। अमिया एक लड़की जिसका नाम इनेस है उसे कहती है कि क्या तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हारे डैड तुम्हें मना करेंगे। फिर हमें दिखाते हैं कि एक प्रीस्ट जो कि स्कूल में टीचर है वो अपने ऑफिस में आता है और बहुत टेंशन में होता है। वो स्मोक करता है और एक कौवे की आवाज आती है। फिर एक टीचर म्यूजिक वाले टीचर को कहती है कि बच्चों का विंग दूसरे बिल्डिंग में है और कभी कभी तुम्हें वहाँ नाइट ड्यूटी देने जाना होगा। फिर एक क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ एक टीचर सब बच्चों को कहती है कि तुम्हें पता है कि बाहर की सोसाइटी ने तुम्हें फेंक दिया है और कोई भी तुम्हें बाहर मिस नहीं करता। फिर एक लड़की जिसका नाम एडल है वो बाहर आती है और एक कुत्ता जोर से भौंकने लगता है जो कि गेट की रखवाली के लिए होता है। एडल भागती है और एक छोटे से घर में जाती है जो कि वहीं के स्कूल में काम करने वालों का होता है। वो कहती है कि सेलिया कहाँ पर है। फिर एक बुजुर्ग औरत सेलिया को आवाज मारती है और कहती है तुम्हारी फ्रेंच ट्यूटर आई है। सेलिया वही लड़की है जिसने अमिया के लिए विंड पाइप में सिगरेट की डिब्बियां रखी होती है। एडल कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वो वॉशरूम के बहाने उनके रूम में जाकर एक नींद की दवाइयों की डिब्बियां उठा लेती है और चली जाती है। फिर कॉरिडोर में प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करती है कि एडल तुम्हारे लिए फोन आया है। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने से पहले एडल डस्टबिन में वो दवाइयों की डिब्बियां फेंक देती है और अंदर जाके अपने अंकल से बात कर जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि डस्टबिन में वो डिब्बी नहीं होती। अमिया पीछे से आती है और उसको वो डिब्बी देती है और कहती है तुम चुकन्ने रहा करो। वो दो लड़के जो जेल में है यानी मैन्युअल और पॉल, वो और अमिया और एडल का एक ग्रुप है जो कि स्कूल से भागने की कोशिश कर रहा है। फिर एक टीचर म्यूजिक वाले टीचर को कहती है कि क्या तुम्हें उस काले जादू के बारे में पता है जो इस जंगल में है और उसके बारे में जो इस काले जादू को कंट्रोल करता है। वो कहती है मैं बहुत टाइम से इन चीज़ों के बारे में पता लगा रही हूँ और उस काले जादू के बारे में जो उस जंगल में है। फिर हमें बॉयज के विंग का सीन दिखाते हैं। सभी जल्दी से अपने बेड पर जाकर लेटते हैं और उनके स्पोर्ट्स टीचर आता है और कहता है सब चुपचाप सो जाओ, और लाइट बंद करके चले जाता है। फिर हमें पॉल और मैन्युअल का जेल का सीन दिखाते हैं। उन दोनों का ठंड और भूख से बहुत ही बुरा हाल हुआ होता है।
पॉल कहता है, अगर मान लो हम स्कूल से जब बाहर जाएं और हम देखें कि हमारे घर वाले सब मर चुके हैं तो क्या होगा। मैनुअल कहता है कि फिर तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। पॉल कहता है कि क्या वो प्रिंसिपल हमारे बारे में भूल गई है। फिर हमें दिखाते हैं कि स्पोर्ट्स वाले सर गर्ल्स विंग को चेक कर रहे होते हैं कि सभी अपने बेड पर हैं कि नहीं। वो एक लड़की को पकड़ लेता है जो कि रात को फ़ोन यूज़ कर रही होती है। वो उसको एक जगह पर लेके जाता है और उसके सभी बाल काट देता है। फिर हमें अगले दिन प्रीस्ट की क्लास का सीन दिखाते हैं। वो उस लड़की को देख कर हैरान रह जाता है कि उसके बाल काट दिए। वो बच्चों से पॉल और मैनुअल के बारे में पूछता है और अमिया बताती है कि उनको कल से जेल में डाला हुआ है। फिर वो पढ़ाना शुरू करता है और उसको बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको पता लगता है कि वो लड़की जिसके बाल काट दिए थे वो गुस्से और दुख में अपने कान में पिन से छेद कर रही होती है। प्रीस्ट उसको अपना हैंकी देता है और कहता है कि ऐसा काम फिर से मत करना। वो गुस्से में जाता है। पॉल और मैनुअल को जेल से बाहर निकालता है। फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर कहता है कि यहाँ के रूल्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं और इतनी हार्ड पनिशमेंट बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। प्रिंसिपल कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि हम यहाँ के किस तरह के बच्चों को संभाल रहे हैं, इसलिए तुम कुछ भी मत बोलो और हमें अपना काम करने दो। फिर हमें दिखाते हैं कि पॉल और मैनुअल हॉल में सब बच्चों से माफ़ी मांग रहे होते हैं, जो कि इनके स्कूल का रूल होता है कि कोई गलत काम करने पर वो सबसे माफ़ी मांगे। फिर हमें दिखाते हैं पॉल, मैनुअल, अमिया और एडल सब प्लान बनाते हैं कि आज रात को हम यहाँ से भाग जाएंगे। और उनके पास बस की टिकटें, पैसे और कुत्ता जो गेट की रखवाली करता है उसके लिए नींद की गोलियाँ, हर एक चीज़ होती है। और मैं आपको बता दूँ, पॉल और एडल भाई बहन हैं। फिर हमें म्यूज़िक की क्लास का सीन दिखाते हैं। सभी बच्चे क्लैप कर रहे होते हैं लेकिन इनिस नहीं कर रही होती। वो बहुत डिप्रेस दिख रही होती है। और मैं आपको बता दूं कि इनिस के सीरीज़ की शुरुआत से ही बाल कटे हुए दिखाते हैं। ये सीरीज में नहीं बताया कि उसने क्या बुरा काम करा था कि उसके बाल काटे। फिर उनका म्यूज़िक वाला सर सबको पियानो बजा के दिखाता है और कहता है कि जो भी तुम्हारे मन में आया उसे लिख दो। लेकिन इनिस कुछ भी नहीं लिखती और मिया उसको कहती है कि तुम्हारे मन में क्या कुछ भी नहीं है, और इनिस वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि प्रीस्ट एक जगह पर होता है और उसने प्रीस्ट वाले कपड़े भी नहीं डाले होते। फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। प्रीस्ट कहता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी गलत चीज़ें हो रही हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। फादर कहते हैं कि मैं यहाँ का हेड ज़रूर हूँ, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम कुछ ऐसा वैसा काम मत करना, क्योंकि तुम हमारे लास्ट प्रीस्ट टीचर हो और तुम मेरे लिए नहीं बल्कि इन स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी मत करना। फिर हमें दिखाते हैं कि म्यूज़िक वाला सर अपनी डायरी लिख रहा होता है और वो लिखता है कि वो बहुत खूबसूरत है। फिर हमें दिखाते हैं कि अमिया रात को उठती है और अपना बैग लेकर बाहर जाने लगी होती है कि वो लड़की जिसके बाल काट दिए हैं वो रोकती है और कहती है, क्या तुम यहाँ से अकेले भाग रही हो। फिर अमिया कहती है कि तुम्हें भी पता है कि अगर तुम्हें मैं अपने साथ जाने के लिए कहती तो तुम मना कर देती। फिर वो दोनों एक दूसरे को गला लगाते हैं और अमिया चली जाती है। और ये सब कुछ इनिस अपने बेड पर लेटे लेटे देख रही होती है। अमिया चुपके से अपने रूम से निकलती है और एक बेडशीट्स वाले रूम में जाकर बैठ जाती है। उसके पीछे से एडल वहाँ आती है और पॉल और मैनुअल भी। और फिर सभी अपने कपड़े चेंज करके टेरेस पर जाते हैं और वो उस मीट को कुत्ते को खिलाने लगे ही होते हैं जिसमें नींद की गोलियाँ होती है कि अचानक वो उसके हाथ से फिसल जाता है। एडल उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसको उस कुत्ते से डर लगता है। और पॉल भी एडल के कारण उनको मना कर देता है और कहता है तुम दोनों जाओ। मैनुअल और अमिया किसी तरीके से नीचे उतरते हैं और पॉल एडल को भेज देता है और खुद इन दोनों की मदद करने नीचे चला जाता है। उतनी देर में प्रिंसिपल ये देख लेती है कि उसके लॉकर में से पैसे गायब हैं। अमिया और मैनुअल एक वैन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और प्रिंसिपल देखती है कि अमिया और एडल अपने बेड पर नहीं हैं। और स्पोर्ट्स सर बताता है कि दो लड़के भी अपने बिस्तर पर नहीं हैं। प्रिंसिपल इनिस से पूछती है कि क्या तुम्हें उनको जाते हुए देखा था, और इनिस कहती है नहीं। दोस्तों, सीरीज में कहीं नहीं बताया हुआ कि इनिस के बाल क्यों काटे, उसने क्या ऐसा काम किया था कि उसको ऐसी पनिशमेंट मिली, वो अमिया को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है, वो सच क्यों नहीं बता रही। ये सब हमको सीरीज के आगे के एपिसोड में पता लगेगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर हमको दिखाते हैं कि उनकी वैन स्टार्ट हो जाती है
और सभी बच्चे खिड़कियों से उनको देख रहे होते हैं। लेकिन जब वो अपनी वैन से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो दरवाजा नहीं टूटता और फिर वो साइकिल लेके वहां से भाग जाते हैं। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया, और वहां का गार्ड उनको पीछा करने जाता है लेकिन वो नहीं मिलती। फिर हमें दिखाते हैं कि प्रिंसिपल पॉल और रेडल से पूछताछ कर रही होती है, और जंगल में मैन्योल और अमिया का साइकिल टूट जाता है और वो भागने लगते हैं। उनको आसमान में एक बहुत ही अलग तरह का व्यू दिखता है, और हमें दिखाते हैं कि जब वो भाग रहे होते हैं तो पेड़ के पीछे से कोई उनको देख रहा होता है। इनिस भी आसमान में उस चीज को देखती है, और जंगल में मैन्योल चट्टान से स्लिप हो जाता है और बेहोश हो जाता है, और अमिया जोर जोर से उसका नाम लेने लग जाती है। फिर एक अजीब तरह का आदमी जो कि दिखने में एक कौवे जैसा होता है वो मैन्यूल को पकड़ कर ले जाता है, और यहाँ हमारा एपिसोड खत्म होता है। हमको नहीं बताया कि वो कौन है, शायद वो वही आदमी होगा जो कि जंगल में काला जादू करता है। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू।